वो डिंकर था बोलता है कि वो सामने लाइट्स नजर आ रही हैं, हाँ। उन लाइट्स तक जाना है अच्छा तो वो तीन दिन लाइट नहीं आई उधर पहाड़ी से नजर आ रही है हाँ तीन दिन चल चल के जंगलों में। जी दोस्तों ताहर भाई अपनी डंकी की स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो में जो है पांचवा पार्ट आपके साथ साथ शेयर करेंगे पिछला जो चौथा पार्ट था उसके लास्ट में इन्होंने बताया कि एक बंदा था लड़का था सियालकोट का तो वो नहारे थे उधर समुंदर में तो अचानक ना उसकी डेथ हो गई है कोई पता नहीं चला हुआ क्या है तो उस उधर तक ये वीडियो बनाई थी हमने आगे जो है ये इस्तांबुल से इन्होंने इंटर करना है जी नहर के रास्ते से यूनान में ये स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे अच्छा उसके साथ आप ये जो घर देख रहे हैं ना ये घर जो है इधर ताहिर को रहाइश मिली हुई है ये गवर्नमेंट की रिहायश है कैंप नहीं है ये घर घर टाइप है इनको इधर पका पकाया खाना मिलता है कुछ जेब खर्च मिलता है और साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर का स्कूल का जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो भी कर रहे हैं और लाइसेंस भी कर रहे हैं साथ साथ ना तो मेहनत कर रहे हैं कामयाबी अल्लाह देगा इन तो अगर आप चाहते हैं कि ये रहायश की वीडियो बनाई जाए कि इधर का क्या सिस्टम होता है नया बंदा जब आता है तो कमेंट्स करें इन वो भी एक अलदा से वीडियो बनाएंगे अभी जाते हैं ताहिर साहब की तरफ और आगे से जो पाँचवा पार्ट है वो सुनते हैं इनसे जी अलैक् जी वालेकुम वालेकाम सबसे पहले आपके जितने भी देखने वाले सबको असल मेरी तरफ से तो स्टोरी का हमने स्टॉप कॉल किया था इस्तांबुल में वो लड़का था हमारे साथ जैसे जैसे बहुत दुख हुआ उसका मैं भी बेचारे की डेथ हो गया हर नस्ते ही खेलते रहे हम तीन चार पाँच दिन ना उधर इकट्ठे ही रहे अचानक अच्छा, से बेचारा उधर गया तो ये हो गया सिस्टम उसके साथ दुख इसलिए कि यार भाई तीन बहनों का अकेला भाई था और उस बेचारे ने अपनी माँ की वो लड़के थे ना जो उसके साथ उसके ना गाउन के थे पिक दिखाई इन्होंने उसकी माँ की पिक भी उसकी जेब में ना वो फोटो पासपोर्ट पासपोर्ट में रखी होगी हाँ, साइज थी अच्छा वो पुराना था उधर या नहीं आया था? हमारे साथ आया था पीछे से भी साथ दिड़ बाखड़ से हमारे साथ आया था दिड़ में मिला था वो कितने उन्होंने सोचा होगा मैं जाऊँगा जो वो तो इतना खुश हुआ उसके घर वाले इतने खुश थे हमारा बेटा तुर्की पहुँच गया तो बस अल्लाह की मर्जी होती है इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सही बात है हाँ तो उधर से फिर तकरीबन दो तीन दिन उसके बाद बड़ी ईद गुजारी है उधर हमने तुर्की में इस्तांबुल वगैरह थोड़ा सा हमने विजिट किया उधर घूमे वगैरह एंजॉय वगैरह किया है बहुत नाइस है इस्तांबुल जो है ना मकडोनर वगैरह पे आगे पीछे सब कुछ ना इतना ज्यादा नहीं क्योंकि आपको पता पुलिस प्रॉब्लम भी होता है दूसरे नंबर पे उधर ये पाकिस्तानी माफियाज हैं वो आपको पकड़ लेते हैं अगवा अगवा कर लेते हैं, हैं।, हैं। उधर एक मिनट का पता नहीं चलता आपको अगवाते हुए इस तरह के लोग हैं चाहे तो आपको साथ जो मैं तुम्हें में खाना वगैरह खिलाता खिला तो उधर जाकर आपके घर अगवा करके बहुत ये पाकिस्तानी बहुत टॉर्चर करते हैं दूसरे फिर भी है कोई वाक सुना हो या किसी के साथ हुआ हो मेरे पास मेरे पास वीडियो होगी तो वो मैं सेंड करूंगा इनको पढ़ी वो टॉर्चर की जो करते हैं ना अच्छा हाँ बिल्कुल वो मतलब जो पाकिस्तानी है लोदर बंदे वो पाकिस्तानियों को अगवा करते हैं बिल्कुल पाकिस्तानियों को बंगालियों को, को उसके लिए पैसे, के लिए पैसे के लिए करते हैं सब कुछ और इस आज आज इसी वजह से तुर्की में इतनी सख्ती है अगर ये काम ना ना करते होते तुर्की बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान की हमारी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानियों के जो तुर्की अच्छा वाले ना कैसे बता रहे थे कैसे लेके जाते हैं अगवा किस तरह करते हैं वो आपको चलते फिरते ना अच्छा ये जरा जिन्होंने मतलब मैं जिन्होंने आना यार उन्होंने हाँ। ये जरा ध्यान से सुने के कल को अगर आप आते हैं तो आ, आप वैसे विजिट पे आते हैं लोग बहुत सारे टंकी लगा के तो हर कोई नहीं ना आता बिल्कुल तो ये जरा सुन लें कि यार कैसे कैसे वो करते हैं जरा इसलिए कि यार पता चल सके लोगों को तो बाज बंदा दूसरे मुल्क में जाता है ना अपना बंदा मिल जाए ना बंदा बड़ी खुशी से मिल बिल्कुल है। बहुत खुशी होती है दिल में क्या पता नहीं चलता बिल्कुल अच्छी बात वो पता क्या करेंगे आपको ना आप घूम रहे हैं कहीं मैकडोनर वगैरह पे गए वो बोलेंगे भाई कैसा ठीक है किस जगह से है मैं गुजरात मैं भी तुम्हारे साथ गुजरात से वाकफियत निकालेंगे निकल गई चलो फिर यार कुछ चाय पानी पीते चलते हैं घर में भी तुम्हारे इलाके का को कोई बात नहीं है चलो अच्छा। चलते हैं हाँ इस तरह का निजाम पूरा प्रोटोकॉल इस तरह को दस बीस लगाते भी है बंदे के ऊपर ना अच्छा हाँ बंदे के पैस, पैसा हाँ। ना तो कोई लगाए तो तो कहता यार ये तो बिल्कुल अच्छा। दस बीस लीरे भी लगाएंगे उसके ऊपर तो उसको साथ फिर ले जाएंगे घर में घर में जाके फिर जो है ना कमरे में बंद कर देंगे बाजू बांध देंगे पीछे टॉर्चर करेंगे घाट का लगवाएंगे फोन कार गलान फलान आगे से उनका नेटवर्क ही कुछ ऐसा पता नहीं पैसे फलान जगह पे करवाओ अगर पता चले बंदा वहां से उनका नेटवर्क पकड़वा पैसे पाकिस्तान के अंदर ही कहते हैं दे दो पाकिस्तान के अंदर ही दे दो तुर्की ना सेंड करो पाकिस्तान अच्छा। के अंदर ही इतने पैसे एक लाख से लेके दस लाख पंद्रह लाख तक वो, हो सकता है कितने दे बिल्कुल ऐसी बात है वो सब कुछ ना पहले वो बंदे का सारा डाटा कटा करते हैं फिर उस हिसाब से पैसों की डिमांड करते है सियाने इसीलिए कहते हैं किसी भी अनजान बंदे के साथ ना मतलब इतनी जल्दी फ्रेंक भी होना चाहिए अपने नहीं बताना चाहिए सही बात करते हैं यार बिल्कुल मैं इसलिए थोड़ी देर ताहिर साहब मैं तफसील से इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग विजिट पे भी आते हैं ना बिल्कुल आते हैं तुर्की में निकाले कि मेरे जो इलाके का बंदा मैं चला जाऊँ इसके साथ बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी इज्जत दे रहा है मुझे हाँ, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में खानी चाहिए लेके चीज़ खानी चाहिए वो नशे उधर आपको पता तुर्की में एक सौ एक नशा है अच्छा उधर भी नशा है नशा आम है उधर ये बोनजा चर्चा वो मुझे नहीं पता बोनजे का लेकिन मैंने सोना हुआ शीशा उसके बाद ये चर्स उसके बाद ये जो और दो तीन शराब वगैरह बीरा वगैरह ये सब कुछ उधर से स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना इस तरह के नशे हैं उधर से ही है तो करते भी हैं ये पाकिस्तानी जो इस तरह के काम करते हैं ना जेंट वगैरह उनका काम ये शराब पी लेनी चर्ट्स पी लेनी यही काम है सो में से कोई एक दो अच्छा होगा वैसे जिसके लड़के के साथ मैं था ना बाट के साथ बहुत अच्छा लड़का था आज भी तारीफ करता हूं क्योंकि उसने मेरे साथ वो भी जानने वाला नहीं था बट पिछले पीछे थो थो नहीं थे से था। मुझे नहीं जाना बंदा अच्छा था अगर वो दो नंबर होता तो वो कर देता बिल्कुल नहीं नहीं वो मेरे जेंट ने उसको बट को काल के जेंट का बंदा था वो बट तो बट के पास फिर उधर से निकले हम तकरीबन ग्यारहवें दिन निकले हों निकले होंगे मैं भी ग्यारहवें दिन इतने निकले हम फिर वही हाइस्ट टाइप गाड़ियाँ आ गया कुछ हमारे साथ इंडियन शामिल हो हैं तो कुछ हम पाकिस्तानी थे उधर से वो गाड़ी में बिठाया उन्होंने तो डेंकर थे हमारे पास साथ दो डेंकर थे एक का नाम था नाम तो मुझे नहीं याद वो कुजरामला का था और एक वो बाटका सही है उधर से जब ले गए हमें तकरीबन ना कर लो आप सफर दो तीन घंटे का सफ़र होगा तो तुर्की यूनान के बॉर्डर तुर्की की नहरनी उससे तकरीबन हमें दो तीन किलोमीटर पीछे उतार दिया उन्होंने वह हमें उतारा है, वो साथ, गाड़ी उतारते गए ये हाइएस टाइप गाड़ी थी तो डेंकी में हम उस वक्त तकरीबन चौबीस बंदे थे इतने बंदे चौबीस पच्चीस बंदे थे इतने का ग्रुप ही लेके आते हैं दो बंदे इतने बंदे थे तो उधर हम फिर चल चले तकरीबन दो तीन किलोमीटर पैदल की है शिप वगैरह रास्ते में कोई एक उठा लेता है उधर जा वो बोट होती है ना शिप अच्छा वो आ, बोट छोटी नहीं होती हवा वाली अच्छा। वो रास्ते में कोई उठा लेता है कभी कोई उठा लेता है अच्छा, अच्छा। रात का टाइम था तो आ, साथ ही इमिग्रेशन रोड है यूनान वाला उससे वो पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह हमें दिखाई दे रही थी लेकिन वो उनका एक टाइम होता है जब वो नहर क्रॉस करवाते हैं ना टाइम होता है उनका ये सुबह के ना तीन बजे मिसिंग का टाइम होता है उनका अच्छा, उस वक्त ये काम करते हैं वो नहर क्रॉस कराना अच्छा, वो जब इनका मिसिंग मैरी बता दो कि ये सोने का टाइम है इनका ना वो अब कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता मिसिंग जब इनकी गरी क्योंकि होती है ना क्रिश्चियन आ जाते हैं ना आगे अच्छा यूनान का हाँ यूनान का अच्छा, अच्छा मतलब तो, वो रेस्ट का टाइम हाँ रेस्ट का टाइम है उस वक्त कोई पुलिस वगैरह नहीं होती कोई दोपहर तीन से दोपहर नहीं सुबह तीन से लेके आठ बजे तक का सुबह हाँ सुबह टाइम नहीं नहीं ए, मेरे ख्याल में बारह से ले के तीन है इतने या तीन से ले के छे है, कुछ इस तरह इस तरह सुबह का नहीं है दुद, 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 दुदुद दुदुद नहीं, इतना मुझे कन्फर्म है यहाँ तो मेरे ख्याल में बारह से तीन है या तीन से छ है कुछ इस तरह इस तरह तो उधर फिर हमने हवा वगैरह बढ़िया सही है तो फिर वो तुर्की आर्मी आ गया उधर अच्छा तुर्की आर्मी आ गई तो हवा बार लिया हमने हवा पंप सारा कुछ आया था साथ हाँ तो जो डंकर थे वो पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी थे अच्छा। तो वो बोलते हैं वेर आर यू गोइंग हमने बोला ग्रीस बोलते हैं ओके चाबुक 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 ओके जल्दी जल्दी हवा बढ़ो कसम से मतलब सपोर्ट कर दे हाँ बिल्कुल वो जब आप यूनान भी छोड़ेंगे ना यूनान में वैसे बो सकती है जब आप जुनान भी छोड़ेंगे ना वो भी आपको बोलेंगे जाओ आगे पुलिस मैं बताऊंगा अच्छा तो चाबुक, चाबुक। खड़े रहे हैं ना नहर हमने क्रॉस नहीं ना की तब तक वो खड़े रहे हैं। हमने नहर क्रॉस कर आधी तो हमने पैदल चल के क्रॉस की फिर नहर बहुत लंबी है सही है चोरी यही कर लो तकरीबन आप पचास फुट होगी पचास हाँ, पानी है। कितना कितना है? पानी जो है ना उसका बहुत जो है ना सेंटर में जाके ना वो तो बहुत गहराई है उसकी थोड़ा सा हमने पैदल चले हैं पैदल चले है तकरीबन तो आधे आधे से ज्यादा आधे के जाके ना करीब फिर दस, दस दस बंदे करके ना उन्होंने बिठाए हैं और दो मिनट के पानी उत, उसका बहुत तेज पानी है, पे बिठाए है वैसे बिठाए हैं पानी 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 के अंदर के।, हाँ, पानी के अंदर अंदर जाके उसका पानी उसका बहुत तेज है नहर का वो का पा, पानी उस वक्त ना कुछ उस वक्त ठंड थी पता नहीं क्या था उतना पानी नहीं था उस वक्त जब हमने क्रॉस किए हमने क्रॉस किए नहर क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए तुर्की वाले चले गए उधर ही बोट हमने रखी है अच्छा वो थोड़ा माहौल बदल गया होगा मतलब बिल्कुल मकान बदल गए बिल्कुल हो गया, हो गया। बिल्कुल तो हमने फिर ना उधर से चलना शुरू किया जंगल आता है जंगल क्रॉस किया इमिग्रेशन रोड आता है फर्स्ट रोड हां हां तो उस रोड के 85 वाला पॉइंट को कहंदे औंजे कहंदे 85 का पॉइंट हां वो 85 वाला पॉइंट कहंदे तो वो उधर वो पहला रोड है तो मैंने पेमेंट का आपको बता दो मेरी तुर्की की युनान से 4.5 लाख था मेरा सही है टैक्सी की है हाँ, मतलब साढ़े चार लाख नहीं नहीं यूनान मैंने सलोनिकी पहुंच के साढ़े चार लाख सलोनिकी कौन सा दूर था यार सलोनिकी पहुंच के साढ़े चार लाख बाईसो यूरो बनता है वो तो पाकिस्तान से तुर्की कितना था लाख यार ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है इस्तांबुल से यूनान के बस जेंट जो है ना नहीं टोटल कितना हो गया थोड़ा बता दें टोटल मेरा खर्चा ढाई लाख पीछे कर लो सात लाख के करीब पहुंच जाता है

वो डिंकर था बोलता है कि वो सामने लाइट्स नजर आ रही हैं हाँ। उन लाइट्स तक जाना है अच्छा तो वो तीन दिन लाइट नहीं आई उधर पहाड़ी से नजर आ, आ, आ रही है हाँ तीन दिन चल चल के जंगलों में बस ऐसे घूम घूम के मच्छर बहुत ज़्यादा था उधर से ये ना ये मच्छर तो उधर फिर चलना स्टार्ट कर दिया हमने तकरीबन सुबह जब हुई है ना एक जगह जंगल में उन्होंने हमें सुला दिया है उधर बोलता खाना वगैरह खाओ पूरा दिन उधर ही रुके हैं हम उधर फिर ये सारा जितना इलाका है ना सोनीकी से पहले ये सारा तुर्कश के पास है वहाँ पे तुर्के रहते हैं सब

वो पुली थी वो लाखसंद्रे वाली पुली उस चश्मा उसके नीचे से गुजरा था जहाँ से पुली दूसरी थी हाँ शहर का नाम ले रहे हाँ उसको पता है कि पाकिस्तान ने उसको बनाया वो लाखसंद्रा पुली वैसे उसका नाम को जो हो रहा है पता नहीं क्या नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। उसका नाम ही लक्सन्द्रा पुली है सही है गूगल से चेक करेंगे ना वो शहर है एक ना सही हो गया लक्सन्द्रा पुली नाम है उसका वो जम के नाम पे है। सही हो गया अच्छा और लखसंदरा पुली पे हम गए हैं तो उधर जाके सुरजमक्खी के खेत आ जाती है सही है अच्छा। सूरजमक्खी में लटा दिया जंगलों में बात टैक्सी क्यों हुई थी बात एक दूसरे दिन हमको टैक्सी लगा एक दिन हमने चलना था दूसरे दिन टैक्सी आनी थी तीन दिन बाद जाके हम लखसंद्रा पुलिस पे पहुंचे पैदल चल के रात बहुत दूर बहुत दूर है वैसे हाँ रोडों के ऊपर जंगलों में और बताऊंगा सच्चे आपको ये एक बात मैं बोल गया पाकिस्तानी थे कुछ ना चार पांच टैंकर थे और गेम छोड़ के आ रहे थे ना यूनान में वापस आ रहे थे वो हमारे अच्छा मतलब तो इस्तम्भो आते हैं आते हैं तो वापस आ रहे थे तो हम रास्ते में गए हम डर गए चोर वगैरह ना माफिया वगैरह ना तो वही साहब हुआ उन्होंने भी पिस्टल वगैरह निकाल लिए किसके बंदे हो कौन एजेंट है वो बट गए आगे हम पिस्टल भी असला था उन सब के पास खंजर थे पिस्टल थे ये सब कुछ आम उनके थे पाकिस्तानी थे और एक छोटा सा लड़का था इतना सा लड़का था पता नहीं पकड़ा गया क्या निजाम था, वो इतना था उम्र भी उनके साथ इसलिए सा तो इस तरह करके ना पिस्टल वगैरह निकालते किसके और बट बोलते कोई इंडियन जेंट था उसका जो मेन जेंट था ना उसका वो इंडियन था अच्छा तो उसका नाम बताया उन्होंने उसने तो फिर वो उन्होंने जो ना इग्नोर किया और वो पीछे चले हम आगे चल गए आगे चल पड़े सही है चलते रहे तकरीबन सुबह जब हुई ना हम उस लाख संद्रा पुल जो है ना पहुँच के पॉइंट के ऊपर जहाँ टैक्सी लगनी थी हमारी अच्छा। तो उधर सुबह का टाइम हुआ तो उसने काल की एक हेल्पर आएगा टैक्सी के साथ उधर से पाकिस्तानी लड़का हेल्पर आएगा और टैक्सी आएगी कोस्ता ड्राइवर था उस टैक्सी का कोस्ता ही कोस्ता उसको बोलते रहे नाम था उसका पहले एक टैक्सी आके लगी है वो हेल्पर हमारे साथ है हमें बट लोगों ने हमें छोड़ दिया अब हम हम हेल्प के ना कंट्रोल में चला बट अब दूसरे लड़कों के पास चला गया जो पीछे बिठाए हैं उन्होंने अच्छा। एक लड़के एक टैक्सी में चार से चार लड़के वो लेके जाते हैं चार से पांच लड़के तो टैक्सी हेल्पर पता है क्या हेल्पर था ना जो हमारे साथ है। वो टैक्सी को यो के लगी उधर बोलता बैठो बैठो हम बैठे हैं है जो बैठा था ये है क्या हो तो गया वो तो किसी और कोई गरीब का था बेचारा उधर आके रुक ब्रेक ही लगाई हमने खुद ही बारी ओपन कर तो थी हम रेड कलर की कार थी हमने खुद ही बारी ओपन की हमने खुद बारी ओपन करके उसके अंदर जब बैठे हैं वो बोले ओ, ऐसे ऐसे आगे से इशारे करो मंडी वाले को समझ आ गई जो हमारे साथ हेल्प करता ना मंडी का था अच्छा। उसके समय वो बोलता निकलो निकलो <laughs> फिर वापस उतिएगा <उचीजीगा। laughs> फिर गाली जेंट को गाली दे वो किधर है तेरी गाड़ी ये हो गया वो हो गया हम पकड़े जाएंगे ऐसा होगा फिर बैठ पुलिस के पास ले जाता काम है हो सकता पुलिस उसको पहले पकड़ लेती लेके जाने का जेंटी, के केस, जेंटी के? केस में उधर तो आपको पता है दस साल की सजा है जेंटी के केस चा? में हाँ दस साल तक बंदा अंदर है आ, तो फिर ना, हमारी गाड़ी तकरीबन उसके ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी आई काले ब्रैक कलर की बीएमडब्ल्यू थी उधर बहुत जो प्यारी गाड़ी थी उसमें बैठ गया हम सही है तो हेल्पर भी हमारे साथ था तकरीबन ना हम पाँच बंदे थे पाँच बंदे, बंदे थे सही है उसमें बैठ गया तो वो तकरीबन चली है हमारे साथ ना एक घंटा गाड़ी चली है अभी टूल प्लाज़ा वगैरह छोटा सा आया है वहाँ से पुलिस ने पकड़ जो ना पीछे लाग गया पुलिस ना उसने ना टूल प्लाजा के ना साइड से पता नहीं किस तरह का निज़ाम किया है वहाँ से पुलिस हम टूल प्लाजा पे नहीं किया ऐसे को इस तरह का निज़ाम किया है अच्छा

नहीं <laughs> <laughs> अच्छा। <laughs> हाँ, अच्छा। गई और अच्छा। उधर स्टॉप किया उसने तो हम सब गाड़ी से उतरे हैं साथ ही खाई थी नीचे ना जंगल था सीधा अच्छा। जंगल में ऐसी बस वगैरह लगे गोल चक्कर में सीधे नीचे चले गए हम तो हेल्पर था चार लड़के हम थे हाँ। पूरा दिन फिर हमने सुबह का टाइम था पूरा दिन उधर गुजारा है बैठ के वो कोस्ता पकड़ा गया था वो जो टैक्सी वाला था हाँ लेकिन उसको उसका पुलिस वालों ने केस तब भी साबित करते जब हमको पकड़ते हाँ हमें नहीं वो बच गया था बाद में हम अगर हम पकड़े जाते ना गाड़ी के अंदर से तो हमें भी रेस्ट करती पुलिस फिर उसको जो है ना हाँ साल से थी हाँ, इस तरह तो वो कोई फिल्म में डाल डोल के ना हो तो अच्छा। पूरा दिन उधर गुजारा हमने पहाड़ी के अंदर ही तो शाम को फिर वो जो है हेल्पर साहब है उनको लोकेशन खुद नहीं चलानी आ रही थी उधर अच्छा। लोकेशन पे जाना था टैक्सी का बोला जैन को दूसरी टैक्सी बोला वो बोल भेजो वो बोलता को हेल्पर क्यों बोलना शुरू कर दिया नहीं हेल्पर पता क्या होता है जो अभी काम सीख रहा होता है <laughs> हाँ जो अभी इस जो अभी रस्तों का बारे में पता है डंकर को, डिग्री? डंकर, को डंकर के पास डिग्री होती है वो मैपर होता है वो बेस्ट मैपर होता है वो लोकेशन गूगल हर चीज़ पोटे पोटे का हर चीज़ उसके पास इलम होता है वो इसको डंकर बोलते हैं

अच्छा। सोलो निकी आगे पैंसठ किलोमीटर था तो चलना स्टार्ट कर दिया फिर उससे पहले कुछ गाँव वगैरह आते हैं से पहले पोली शहर है हाँ। तो आपने पैदल जाना था अलक... अलक... तक क्यों नहीं गाड़ी पे गाड़ी अच्छा, ने अलक्संद्रे से गाड़ी ने उठाया था रास्ते में पुलिस ने घेर लिया उधर से बागे हम अच्छा, तो उधर से फिर एक रात दिन उधर गुजारा पूरा रात को हम चल पड़े हैं उधर से फिर तो ऐसे जंगलों में बस उसको बोला टैक्सी का बताए खाने पीने का पानी तक हमने उधर छोड़ दिया था नहीं तो फिर कैसे गुजारा करते थे बस पूरा दिन ऐसे ही गुजारा किया उसको फिर बोला फिर पानी ला दे वो बोलता है एक एक पूरा दिन उधर बैठे रहे हैं हम उसको बोलते वो बोलता रात होने दो सब कुछ मिल जाएगा हमने बोला सही है कुछ जेंट को बोल टैक्सी बोलता जेंट भेज देगा टैक्सी टेंशन ना लो तो उसने फिर रात को बोला लोकेशन किसको आती है यूज़ करनी मैंने बोला मुझे थोड़ा बहुत समझ जाए इसकी तो उसने फिर वो 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 मंगवाई पिने होती है लगी पिन पिन होती है ना मसलन लोकेशन पिन की मसला न लोकेशन पिन की होती है हाँ चा, 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 वो पिने ल, पिने लगी हुई थी अच्छा, उधर से अच्छा, ना अच्छा, पिन करके भेज दी उसने तो पिनों के ऊपर चलना शुरू कर दिया हमने तो चलते रहे सुबह के तीन बजे का टाइम था बहुत थक गए था पानी वगैरह वो एक चर्च इनका चर्च होता है ना बादत गाह होती है इनके उधर से हमने वो सेब वगैरह तोड़े उधर से और अंगूर वगैरह था वो थोड़ा उधर से कुछ अच्छा। पानी वगैरह पिया उधर से हमने कच्चू रास्तों पर पहाड़ियों के अंदर से बात वो साथ फिर समुंदर है वो सारा समुंदर समुंदर ये के साथ साथ चलते चलते रहे रहे एक हो जाना। एक अच्छा। फिर ना उधर जाके एक गाँव आया तो उधर बैठे हैं कुछ देर फिर सुबह तीन का टाइम था तो उसने बोला अब रोड के ऊपर चलना है आपने उधर फिर कुछ लड़के आगे भी जा रहे थे अर्जेंट क्योंकि उधर से ना पेमेंट उधर रोके करवाते हैं सब ना आगे पेमेंट उधर से अभी तक पैसे नहीं थे दिए चार लाख अभी तक नहीं दिया था अभी तक गाड़ी पड़ा है तो जब उधर से हम स्टार्ट कर उधर ना रोड के ऊपर आ गए ना हमने यार बोला यार इतनी मेहनत है इधर पकड़े गए तो उन्होंने तुर्की डिपोर्ट कर देना है वो बोलता कुछ नहीं होता वो मिसिंग मेरी का कोई था कोई पुलिस वगैरह नहीं थी अच्छा वही जो हाँ बिल्कुल तो वो दस बजे तकरीबन तीन बजे से लेकर छः बजे तक रोड के ऊपर चलते रहे हैं फिर एक बस वगैरह को कोई स्टॉप आया उसके पास पासपोर्ट था तो उसने पासपोर्ट पर टिकटें ली कुछ तकरीबन पंद्रह पंद्रह यूरो की टिकटें भी ली हमें और मेन सिटी सलोनिकी में वो ले गया अच्छा, पासपोर्ट के बिना नहीं टिकटें देते नहीं पासपोर्ट के बिना बस की बस भी कोई प्राइवेट थी गवर्नमेंट बस नहीं थी एक तो ये डेढ़ रुपये वाली टिकट की बस चलती प्राइवेट बस थी कोई तो उस पर बिठाया उसने तो सलोनिकी सिटी के अंदर ले गया उधर से उसने अब हमें अपने घर लेके जाना टर्मिनल देखे बस स्टैंड उसका नहीं मैंने ट्रेन स्टेशन बस, बस थे, थे। मैंने बस ट्रेन, ट्रेन स्टेशन देखा अच्छा। उसके घर गए तो आगे उस फिल्म बाज काम के काम चेक करो हेल्पर के जेंट को कॉल करता लड़के साहब पकड़े गए हैं तुम्हारे हैं लड़के साहब पकड़े गए हैं तुम्हारे हमें उसने अगवा कर लिया उधर यार तुसी कितना का गवाह होना है दोस्त वा ना बट को तो जानते ही होंगे कुछ लोग तो उसने अगवा कर लिया हमें बोलता है घर वालों को कहो हम हेल्पर तो अगवा कर लिया हेल्पर नहीं वो उधर बिग माफिया उधर पाकिस्तानी सलोनिकी में बड़े-बड़े माफिया पाकिस्तानी है सलोनिकी में वे, वे। और पठान है कुछ बड़े-बड़े हेड इनके ना निजाम है उधर सलोनिकी में अग, अग, जी ये ताहे साहब दूसरी या तीसरी दफा गवा दूसरी दफा गवा हो गया बिल्कुल हां सही आ रहा है यार बंदा एक बार ही हाथ लग जाए बंदा चक्कना हो जाता चक्कना कैसे होते हेल्पर था हमने तो सोचा जो जेंट का बंदा है जेंट का बंदा है जेंट का बंदा है वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों इधर तक जो है ना स्टॉप करते हैं तो नेक्स्ट जो है ये अगवा हो गई है अब इनके साथ क्या बने हैं बिल्कुल मैं खुद सुनने को बेताबू पर वीडियो लंबी हो गई है बड़ी बिल्कुल अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे तो कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने का ना कि ये मतलब क्या क्या होता रहा इसके साथ ना बिल्कुल तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो अच्छी लगी है चैनल को देखें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करें यार बड़े बंदे काम करते हैं सब्सक्राइब फ्री या बिल्कुल जनाब अब YouTube जो है ना वो इनाम रखे कि जो जो बंदे इससे ये होगा आपको पता चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में क्या चीजें होती हैं। हाँ तो वो कहते हैं ना तो, पाकिस्तान में वो डेंकी वो पंजाबी में मिसाल है कि चीची उंगली में सूटा लगा के बोलते हैं हमने भी जोड़ा बजाना है अल्लाह हाफिज़ साहब तब चलो सही है